कल जब से रिजल्ट आया है तब से नई सरकार बनने को लेकर बहुत बातें चल रही, सब अपना अपना गणित लगा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं, गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। 24 घंटे में सबके गुणा गणित पर पानी फेंक दिया। नरेंद्र मोदी ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि किसी तरह का कोई जोड़ तोड़ हो सके, इसलिए आप देखिए कि तुरंत तुरंत सारे काम निपटाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सारे नेताओं को दिल्ली बुलाकर आज मीटिंग भी कर ली और इस मीटिंग में एनडीए के सारे नेताओं ने कंफर्म कर दिया कि आएगा तो मोदी ही। फिर आप कहेंगे मैंने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात क्यों की, ये आगे बताऊंगा। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में नई सरकार बनाने पर सब सहमत हो गए, सबने कंफर्म भी कर दिया है कि वो कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले, सबने नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया है, यानी नरेंद्र मोदी के थर्ड टर्म पर अब किसी तरह का कोई डाउट दिख नहीं रहा, सब कुछ क्लियर हो चुका है, थर्ड टर्म की तैयारी शुरू हो चुकी है और अब सिर्फ शपथ ग्रहण की जो तैयारी है या शपथ ग्रहण ही सोच समझिए कि बचा हुआ है, बाकी सब सेट हो गया है। हालांकि आज एनडीए की मीटिंग पीएम आवास पर हुई और इस मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि 60 साल के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से चुनाव लड़ा और जीता। सभी एनडीए के नेता सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनते हैं। एनडीए की बैठक में कुछ दलों ने नरेंद्र मोदी के समर्थन में अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया, जैसे एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने समर्थन पत्र दे दिया, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने दे दिया। देखिए नरेंद्र मोदी को पता है कि इंडी गठबंधन वाले भी कुछ खेल करने के बारे में सोच तो रहे हो, इसलिए नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि मामला इधर से उधर हो। इसलिए अगर आप देखेंगे कि कैसे 24 घंटे में फटाफट खटाखट सारे काम हो गए इंपॉर्टेंट, जैसे नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री ने आज अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अभी तक वो पिछली लोकसभा जो चल रही थी उसके प्रधानमंत्री थे, उसमें तो वो इस्तीफा देंगे तब तो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, यही प्रक्रिया होती है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू हो गई, जो 8 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है कहा जा रहा है। एनडीए के सारे नेताओं को बुलाकर आज शाम 4 बजे पीएम आवास पर मीटिंग भी कर ली गई। एनडीए की मीटिंग से यह बड़ा मैसेज दे दिया गया कि कोई कहीं नहीं जा रहा, सब एकजुट है। एनडीए की मीटिंग में जिस तरह की तस्वीरें आई उससे भी क्लियर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी रिलैक्स हैं, एनडीए के सारे नेता रिलैक्स हैं, सब ऑल इज वेल है और फील गुड वाला माहौल है। आप नीतीश कुमार देखिए मुस्कुरा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी, सब बढ़िया माहौल में बातचीत हुई। अच्छा, इन तस्वीरों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं और फिर उनके बगल में नीतीश कुमार बैठे हुए। इन्हीं दो नेताओं पर इंडी गठबंधन की नजर थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, इनके हाव भाव को देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि सब कंफर्टेबल नहीं है। सब दिख रहा है कि भाई कंफर्टेबल है, हंसी मजाक का माहौल चल रहा है, नई सरकार बनाने में कहीं कोई दिक्कत दिख तो नहीं रही है। मीटिंग में पीएम मोदी हंसते हुए बात करते दिख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह से एक फोटो की बड़ी चर्चा हो रही थी जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही प्लेन से पटना से दिल्ली आ रहे थे। तस्वीर में पहले तेजस्वी नीतीश कुमार की पीछे वाली सीट पर बैठे दिखे, फिर साथ में आकर बैठ गए। इन्हीं तस्वीरों के बाद चर्चा होने लगी कि कहीं कुछ खेल तो नहीं होने वाला, दोनों एक प्लेन से आए। अरे भाई, तो एक प्लेन से दोनों निकले 10:30 बजे, कॉमन प्लेन है, मतलब कोई प्राइवेट जेट में तो साथ में नहीं आए, आगे पीछे बैठे हैं। तेजस्वी यादव का चेहरा उतरा हुआ था, उन्होंने मेहनत की, ऐसा रिजल्ट नहीं आया तो थोड़ा दुखी होंगे, देखिए आंखों से लग रहा है। बाद में तेजस्वी यादव से पूछा गया कि नीतीश कुमार से क्या बात हुई, तो उन्होंने ये कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि सारी बातें सामने नहीं बताई जाती। एक बार तेजस्वी यादव को सुनिए, फिर आपको नीतीश कुमार पर इनसाइड स्टोरी बताता हूं कि नीतीश कुमार ने आज क्या बातें कही हैं मीटिंग में। नहीं, सलाम दुआ हुई, फिर देखिए कि मेरा सीट पीछे लौट था, तो बाद में वो देखे आए हैं तो हमको आगे बुलाए तो हम आगे चले गए। तो कुछ बात हुई पॉलिटिकल बात? अब ये सब छोड़िए, ये सब समय पे बात किया जाता है, ये सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और नायडू के सपोर्ट के लिए बड़ी कीमत चुकानी हो, कई बड़े मंत्रालय देने हो, नहीं तो ये लोग कुछ खेल भी कर सकते। लेकिन हम आपको जेडीयू के अंदर की इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के अंदर की कहानी यह चल रही है
कि नीतीश कुमार ने अब तक प्रधानमंत्री से समर्थन के बदले कुछ नहीं मांगा है। यानी एक तरह से नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में पूरा भरोसा जताया है और बिना शर्त समर्थन दे रहे नीतीश कुमार। और यह बात सुनकर हर कोई चौंक जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा है कि नीतीश कुमार तो नहीं पलटेंगे, लेकिन हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं मांगा है। उन्होंने कहा कि भाई इसमें क्या मांगना है, आपको समर्थन दे रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार चट्टान की तरह पीएम मोदी के साथ खड़े हैं और उन्होंने कह दिया है कि भैया भरोसा रखिए, हम नहीं पलटने वाले। यह भी पता चला है कि नीतीश कुमार ने तो कुछ मांगा नहीं, लेकिन बीजेपी की तरफ से सरकार में जेडीयू को 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री का ऑफर दिया गया है। आज दिल्ली पहुंचकर खुद नीतीश कुमार ने भी यह साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ हैं। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार तो बनेगी ही। एक बार नीतीश कुमार को भी सुन लीजिए। खुद नीतीश कुमार के करीबी नेता भी इंडी गठबंधन में चल रही अटकलों को सीधे खारिज कर रहे हैं। जेडीयू नेता ललन सिंह ने कह दिया कि सब लोग नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। भाई इंडी गठबंधन वाले सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। सुनिए नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह क्या कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हम लोग को उनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो उम्मीद लगाए रखे हैं। उम्मीद तो ऐसे मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। अभी काहे के लिए? अभी तो सरकार बनेगी उसके बाद ना, वो तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। ये भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि शायद इंडिया प्रो को अप्रोच करेगी, तो अगर अप्रोच करती है तो क्या आप लोग उसके? अरे बता तो दिए कि बिल्ली की तरह वो लोग घूम रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिल्ली की तरह इंडी वाले घूम रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं। उधर चंद्रबाबू नायडू ने भी इंडी गठबंधन के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। नायडू ने फिर से क्लियर कर दिया कि वो कहीं नहीं जाने वाले, नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे। एनडीए की बैठक के बाद चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा है वो भी सुनिए, फिर बताता हूं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हाउ कैन वी कंटेस्ट इलेक्शंस इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनडीए? थ्री पार्टीज कंबाइंड वी कलेक्टेड। व्हाई यू गॉट दैट डाउट आई डोंट नो। सर हाउ वाज द मीटिंग? हाउ वाज द मीटिंग सर? गुड। यानी चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं कि भाई अगर हम एनडीए का पार्ट नहीं होते तो एनडीए के नाम पे कैसे चुनाव लड़ रहे होते। पता नहीं लोगों को क्यों शक हो रहा है। तो चंद्रबाबू से लेकर नीतीश बाबू तक सब नरेंद्र मोदी के साथ डटकर खड़े हैं। तो इंडी वाले बेचारे सपना ही देखते रह गए। आज तो एनडीए के नेताओं की मीटिंग हो गई जिसमें नरेंद्र मोदी के लीडरशिप पर भरोसा जताया गया। अब आगे का प्लान भी सुन लीजिए। 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक होगी जिसमें औपचारिक तौर पर एनडीए के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के नाम का ऐलान हो जाएगा। इसके बाद 8 जून को पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, यह भी बताया जा रहा। यानी एनडीए का कोई पार्टनर कहीं नहीं जा रहा, सब नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अगर एनडीए की पूरी पिक्चर देखें तो इसमें बीजेपी को मिलाकर 14 पार्टियां हैं। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 240 सीटें मौजूद हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के पास 16, जेडीयू के पास 12 सांसद हैं, एलजेपी के पास 5 सांसद, शिवसेना शिंदे गुट के पास 7 सांसद, जेडीएस के पास 2, आरएलडी के पास 2, हम के पास 1, अपना दल एस के पास 1, जनसेना पार्टी के पास 2, आजुजू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के पास 1, यूपीपीएल के पास 1, एसकेएम के पास 1, एजीपी के पास 1 और एनसीपी के पास 1। एनडीए में शामिल अलग अलग दलों के नेता आज जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सामने भी क्लियर किया कि एनडीए एकजुट है और पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बार एनडीए के घटक दलों के नेताओं को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि कैसे विदेश से नेताओं के फोन आने लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है, और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरे मुख्यमंत्री चट्टानी एकता की तरह एनडीए गठबंधन के साथ है। मेरा ये विश्वास न सिर्फ चुनाव दौरान जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड तमाम नेताओं का एनडीए के प्रति, गठबंधन के प्रति
जिस ईमानदारी के साथ सबने कैंपेन किया। आज सुबह मैं मेरे मुख्यमंत्री जी से मैं मुलाकात करके भी आया हूँ और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। मुख्यमंत्री जी की एक अहम भूमिका रही है हम लोग के प्रदर्शन में। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होके लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ दामन साथ आए हम। तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं, मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। लेकिन सिर्फ ये नंबर 293 तक ही सीमित नहीं है, अभी एनडीए का नंबर और बढ़ सकता है। अब सुनिए कहानी में ट्विस्ट। यहां ये लोग एनडीए तोड़ने चले थे, अब सूत्रों के हवाले से खबर ये आ गई कि कई छोटे छोटे दल जिनके एक सांसद हैं या फिर कई निर्दलीय भी हैं वो अमित शाह के संपर्क में हैं। कुल मिलाकर 18 ऐसे सांसद हैं जो अभी ना एनडीए में हैं ना एनडी गठबंधन में। ये 18-17 सांसद कौन कौन से हैं जरा ये भी देख लीजिए। इसमें निर्दलीय 7 हैं, जगन मोहन रेड्डी के 4 हैं। अच्छा, जगन मोहन रेड्डी को तो प्रधानमंत्री वैसे भी एनडीए प्लस का हिस्सा मानते आए, तो ये 4 तो वो साथ ही मान के चल रहे हैं। नवीन पटनायक की बीजेडी के एक हैं, इनको भी एनडीए प्लस मानते रहे हैं प्रधानमंत्री, तो 7, 4, 11, 12 तो ऐसे ही हो गया। ओवैसी की AIMIM है, इसके अलावा VPP है, मेघालय की वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी, इसका एक सांसद है। ZPM मिजोरम की जोरम पीपल्स मूवमेंट की एक सांसद, SKPR का एक और BAP का एक। इसमें कई दल और कई सांसद ऐसे हो सकते हैं जिनके एनडीए के साथ आने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता, यानी एनडीए का नंबर 293 से आगे भी जा सकता है। हालांकि अगर 7 निर्दलीय सांसदों को देखें तो इनमें कई सांसद हैं जिनसे बीजेपी समर्थन नहीं लेना चाहेगी, जैसे जेल में बंद अमृतपाल सिंह जो पंजाब के खडूर साहिब से जीता है, सरबजीत सिंह खालसा जो इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह का बेटा है, इंजीनियर राशिद जो बारामूला से जीता है और टेरर फंडिंग के केस में जेल में बंद है, तो ये 3 से बीजेपी शायद ही समर्थन ले। इसके अलावा विशाल पाटिल जो महाराष्ट्र की सांगली सीट से निर्दलीय जीते हैं, पप्पू यादव जो बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय जीते हैं, मोहम्मद हनीफा जो लद्दाख की सीट पर निर्दलीय जीते हैं, उमेश भाई पटेल जो दमन दीव की सीट से निर्दलीय जीते हैं, ये 7 निर्दलीय हैं। इसके अलावा इंडी गठबंधन में भी कुछ दल ऐसे हैं जो पाला बदल भी सकते हैं, जैसे आज सुबह से उद्धव ठाकरे की चर्चा चल रही है बॉस। आज इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए उद्धव ठाकरे दिल्ली नहीं आए, इन्होंने संजय राउत को भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने एनडीए में शामिल होने के संकेत दिए हैं। सूत्रों की माने तो हिंदुत्व की विचारधारा को आधार बनाते हुए उद्धव ठाकरे एनडीए में वापसी कर सकते हैं। अगर उद्धव ठाकरे भी एनडीए में आ गए तो नरेंद्र मोदी का नंबर 300 के पार चला जाएगा एनडीए का, क्योंकि उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं और अभी एनडीए 293 पर है। तो अगर उद्धव ठाकरे आ गए तो यह मामला सीधे सीधे 302 पर पहुंच जाएगा। और ऐसा नहीं कि उद्धव ठाकरे पहले साथ नहीं रहे, उद्धव ठाकरे का प्रधानमंत्री मोदी से लगाव भी बहुत है, पर्सनल रिलेशनशिप अच्छी है। हो सकता है कि एनडीए तोड़ने वालों को झटका लग जाए और उद्धव ठाकरे इधर आ जाए। खैर, इधर एनडीए 300 के पार जाने को क्या सोच रही है, उधर इंडी गठबंधन को लगता है कि वो नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने से रोक लेंगे। एनडीए की मीटिंग के बाद इंडी गठबंधन ने भी एक मीटिंग की। यह मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। इसमें शरद पवार गए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इंडी गठबंधन के दूसरे सारे नेता गए थे। शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे इसमें नहीं आए और संजय राउत को भेज दिया। ममता बनर्जी भी इसमें नहीं आई और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को मीटिंग में भेजा। इंडी गठबंधन खुद तो 232 में सब मिलकर सिमट गए, लेकिन इंडी गठबंधन का हर नेता सिर्फ यही रट रहा है कि मोदी जीते नहीं बल्कि मोदी हार गए। इंडी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऐसी ही बातें। खड़गे ने कहा कि 2024 का जनादेश प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है, इनको 99 सीट आई है, सामने वाले को 240 सीट आई है, लेकिन जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, जबकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। चुनाव मोदी के नाम और चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन जनता ने बीजेपी को बहुमत न देकर साफ संदेश दे दिया। तो बहुमत तो आपको भी नहीं दिया, आपको तो बीजेपी के आधे से आधे में रख दिया है, आधे से कम में, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको तो और जनादेश नहीं दिया है। इसलिए वो कह रहे हैं ये पर्सनली नरेंद्र मोदी की राजनीतिक हार भी और नैतिक हार भी, लेकिन नरेंद्र मोदी इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे और नकार रहे हैं। इंडी गठबंधन ने कहा कि वो उन सभी दलों का स्वागत करते हैं जो गठबंधन में आना चाहते हैं। अरे आप स्वागत कर रहे हैं, वो आना चाहेंगे तब ना। और दूसरी बड़ी बात, अच्छा इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था 400 पार, 400 पार नहीं हुआ इसलिए नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें।
राहुल गांधी ने भी कहा था कि लिख लो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, वो तो बन रहे हैं, तो राहुल गांधी क्या संन्यास ले लेंगे राजनीति से? इनमें से कई नेताओं ने कहा था कि 150 सीट से कम आएगी बीजेपी को, आई 240 तो वो राजनीति छोड़ देंगे क्या? ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मोदी, नरेंद्र मोदी पे इनको खुद इतना भरोसा है कि मोदी जी ने 400 बोला था तो 400 आना चाहिए। ये चर्चा कर रहे हैं कि मोदी ये मोदी वो, इनकी चिंता का विषय तो ये होना चाहिए कि 37 दल मिलके भी नरेंद्र मोदी को बहुत खींच पाए तो 240 पे ला पाए। इनको ये सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी यहां से तो अपनी गाड़ी और पटरी पर लाएंगे, अपनी चीजें ठीक करेंगे, अब इनके पास क्या बचा नरेंद्र मोदी को और नीचे खींचने का? सब मिलके 240 लाएं, अगली बार नरेंद्र मोदी अपनी कमियां गलतियां जो भी होंगी वो सुधार के जब उतरेंगे तो ये क्या करेंगे फिर? अब क्या होनोलुलु में भी जाकर गठबंधन करेंगे क्या? इंडी गठबंधन में कोई आना तो छोड़िए, इंडी गठबंधन खुद अपने लोगों को बचा कर रख पाए यही बहुत बड़ी बात होती। इंडी गठबंधन के पास ना तो नेता है, ना नीति है, ना इतने नंबर हैं कि इनका कोई, इनके कोई पास आना चाहे। अगर आप एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन दोनों की तुलना करें तो एनडीए बहुमत से बहुत ज्यादा है और इंडी गठबंधन बहुमत से बहुत दूर। और आपको ये आंकड़ों से समझा देता हूं, जरा आप इसको देखिए। ये लोग वो जो ललन सिंह कह रहे थे कि हवाबाजी कर रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं था। बहुमत के लिए चाहिए 272। एनडीए 293 पर है, 293, यानी इसके पास प्लस 21 है बहुमत से। और ये जो इंडी अलायंस है, ये इंडी अलायंस वाले बैठे हैं 234 पे, यानी ये माइनस 38 पे बैठे हैं। तो ये प्लस 21 भी तोड़ लेंगे तो क्या कर लेंगे इनको, तो 17 और लगना है। इंडी गठबंधन इस खुशफहमी में था ना कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता उनके साथ आ गए तो इंडी गठबंधन का काम बन जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने इंडी गठबंधन के सारे प्लान पर पानी फेर दिया और वो क्लियर कट नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए।